गुड इवनिंग, नमस्ते दोस्तों। जयस्टेक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और देखिए, आज हम एक नई वैकेंसी फिर से देख रहे हैं। तो ये वैकेंसी किस डिपार्टमेंट निकाली है, तो देखिए DRDO DMRL ने निकाली है। तो डिफेंस मेट्रोलॉजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO निकाली है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की है, जो कंचन बाग हैदराबाद के यहाँ की है वैकेंसी। ठीक है दोस्तों, तो ये एंगेजमेंट फॉर ITI अप्रेंटिस के लिए है, स्पेशली ट्रेनिंग DMRL, जो मैंने एड्रेस बताया यहाँ पे। तो ये एस्टेब्लिश किया हैदराबाद के अंदर, ये एस्टेब्लिश है 1963 से। और ये मॉडर्न डिफेंस एप्लीकेशन होते हैं, जो उनके मिशन होते हैं, डेवलप एडवांस मटेरियल या इनोवेटिव प्रोसेस टेक्नोलॉजी या कोई भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट उनको बनाना होता है, तो रिसर्च वगैरह, तो ये सारा इस जगह पर होता है ना। ये डिफेंस सिस्टम निर्माण करने में ये गवर्नमेंट में काफ़ी ये उसमें है। और DMRL क्या करता है, आपको एंगेज करता है ITI अप्रेंटिस के लिए, जैसा भी अप्रेंटिस एक्ट है या आपको 1961 वाला, उसके तहत ये लेंगे। एक साल के लिए आपको अप्रेंटिस मिलेगी, तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, आप इसमें बढ़ सकते हैं अगर आपकी ITI पूरी हो गई है। तो अप्रेंटिस रूलशिप और जो भी है उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे, स्टाइपेंड वगैरह आपको मिल जाएगा अच्छा खासा, और 8 से 10 हज़ार रुपये लगभग स्टाइपेंड रहता है। देख लेते हैं अपन ट्रेड कौन सी, फिटर की 6 पोस्ट है, टर्नर की 2 पोस्ट है, मैकेनिस्ट की 7 है, वेल्डर की आपके 2 है, इलेक्ट्रिशियन की आपके 4 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 1 है, बुक बाइंडर की आपके 1 पोस्ट है। इसके अलावा प्रोग्रामिंग ऑपरेटर एंड असिस्टेंट कोपा वाले की 7 पोस्ट है यहाँ पे, और ITI पास होना चाहिए बंदा, तो ही उसको यहाँ पे ये लेंगे। इसके अलावा अगर आपको इससे डिटेल और भी जाननी हो इससे रिलेटेड, तो आप इस वेबसाइट पे जाके लॉगिन कर सकते हैं और सारी डिटेल आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, है ना, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम इसमें देख रहे हैं, तो देखिए नॉट ये स्पेशल नॉट है SC ST OBC PWD के लिए, जो भी उनके लिए रूल्स है अप्रेंटिस से रिलेटेड रिजर्वेशन के, वो उनको एप्लीकेबल है। इसके अलावा नंबर ऑफ अप्रेंटिस वैकेंसी ये घटाई और बढ़ाई भी जा सकती है, जैसा DRDO फैसला लेता है, तो जरूरी नहीं कि इतने ही ले, ज़्यादा भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, टर्म एंड कंडीशन हम देख लेते हैं अप्रेंटिसशिप की, तो देखिए आप फुलफिली आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका मैच होता हो पोस्ट के लिए अप्रेंटिसशिप के लिए, तो ही आप अप्लाई करें, है ना, नहीं तो आप नहीं करें, इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा आप कैंडिडेट ITI पास होना चाहिए, वो NCVT SCVT ही एलिजिबल होगा, इसके अलावा कोई एलिजिबल नहीं होगा, और उन्होंने जो एग्ज़ाम होता है ITI का वो पास करे हुए होना चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट है ऑलरेडी अंडरगोइंग हुआ करंटली अंडरगोइंग अप्रेंटिसशिप, वो अगर कर रहा है कहीं से, तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। और जो कहीं भी अप्रेंटिसशिप नहीं कर रहा है वो कर सकता है। कैंडिडेट का 1 साल के लिए ये लेंगे आपके अप्रेंटिसशिप का, है ना, एक्सपीरियंस नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, और वो एक्सपीरियंस में आपके काउंट नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। कैंडिडेट को यहाँ पे जाके रजिस्टर कर लेना है, जैसा मैंने, अगर आपने मेरा रजिस्ट्रेशन का वीडियो नहीं देख रखा है कि भाई ITI वाले अप्रेंटिसशिप में रजिस्ट्रेशन कैसे करें, तो पुराना वीडियो आप देख लें, इसमें न्यू वैकेंसी के अंदर आपके इस लिस्ट के अंदर पड़ा है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं चैनल पर JSTech चैनल पर, तो आपको वहाँ से सारी प्रोसेस समझ में आ जाएगी कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं कैंडिडेट को जो कंप्लीटेड एग्जामिनेशन उसको रेगुलरली पास करना होना चाहिए, तो वो अप्लाई कर सकेगा। और कैंडिडेट विद हायर एजुकेशन नॉट एप्लीकेबल, इसमें डिप्लोमा वाले या डिग्री वाले अप्लाई नहीं कर सकते, केवल ITI वाले ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, और ये 1 साल का आपके पीरियड रहेगा अप्रेंटिसशिप का, और उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी वगैरह मिल जाएगी, और टाइम टू टाइम इसके रूल्स वगैरह आप उसमें देखते रहें। और PWD कैंडिडेट आर ओनली डिजाइल ट्रेड एज ए अप्रेंटिसशिप रूल, जो भी उसमें हैं वो होंगे उनके लिए वो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा सेलेक्टेड कैंडिडेट को ज्वाइनिंग के टाइम पे क्या क्या सर्टिफिकेट ले जाना है, तो एक तो पुलिस वेरिफिकेशन ले जाना है लोकल पुलिस स्टेशन का, इसके अलावा कंडक्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले जाना है उनको, और इसके अलावा प्रीवियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का होना चाहिए वो, है ना, जैसे आपने 12वीं का पहला या 10वीं का जहाँ से आप पढ़ते थे वहाँ का होना चाहिए। इसके अलावा फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए जो भी असिस्टेंट सर्जन है, इसके अलावा 10वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ITI का होना चाहिए, कास्ट या PWD हो या OBC हो तो उसका सर्टिफिकेट हो, इसके अलावा कॉपी हो, बैंक पासबुक हो, आपके आधार कार्ड की हो, और एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो हो आपकी, है ना, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। वेरिफिकेशन ऑफ क्रेडेंशियल शैल देन बी इन डिविएशन ऑफ फ्रॉम नॉन कन्फर्मली डिजायर्ड क्वालिफिकेशन कैंडिडेट, द कैंडिडेट शैल बी समरली रिजेक्टेड। अगर आपकी वेरिफिकेशन के दौरान आपकी चीज़ें अगर मैच नहीं करती है तो आपको वहीं पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं कि सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स विल बी लीड टू डिसक्वालिफिकेशन एट एनी स्टेज सेलेक्शन प्रोसेस ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड, है ना,
आपको अगर वहाँ अगर आप कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन के तहत आप लीड कर रहे हो तो आपको वहीं से हटा दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। और आपको एप्लीकेशन के लिए जब बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, तो सिलेक्शन प्रोसेस में कोई आपको TA DA नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखें। आपको खुद के खर्चे पे वहाँ पे जाना पड़ेगा। इसके अलावा द अप्रेंटिस विल नॉट बी प्रोवाइडेड हॉस्टल अकोमोडेशन क्वार्टर, आपको ऐसी किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी कि हॉस्टल मिलेगा या कोई क्वार्टर देंगे या आपको आने जाने के लिए कोई देंगे। ये सारी व्यवस्था आपको अपने ही उस पर करनी है ट्रेनिंग पीरियड के दौरान। ट्रेनिंग पीरियड पूरा हो जाएगा तो उसके बाद में अगर वो आगे आपको कंसिडर करते हैं तो फिर ये सारी फैसिलिटी आपको मिल जाएगी, इस बात का आप ध्यान रखें। और ट्रेनिंग अप्रेंटिस विल टर्मिनेट, आपको 15 दिन का टाइम देंगे अगर आपको टर्मिनेट करते हैं तो, इस बात का आप ध्यान रखें। और कंप्लीशन ट्रेनिंग डज नॉट एंटाइटल द कैंडिडेट एनी राइट टू क्लाइम टेम्परेरी परमानेंट जॉब इन DRML। ये एक टेम्परेरी जॉब है इसके अंदर, और केवल एक ये वैकेंसी है और इसको आप परमानेंट जॉब की तरह कंसिडर नहीं करें, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आप आके देख लेते हैं हम। तो नो कॉरेस्पॉन्डेंस शैल बी एंटरटेन फ्रॉम द कैंडिडेट नॉट सेलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग, है ना, इस बात का आप ध्यान रखें कि अगर आप कॉरेस्पॉन्डेंस अगर बाद में करते हैं ऐसे कुछ करते हैं तो अगर मैच नहीं कर रही है आपकी चीज़ें तो आपको वो यहाँ से हटा देंगे। इसके अलावा एक और चीज़, एलिजिबल कैंडिडेट जो भी है वो क्या करें, एनेक्सेस सेकंड को भरें और अपने स्कैन कॉपी जो डॉक्यूमेंट है या जो टेस्टिमोनियल दे, आपके 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट हो गया, IT का सर्टिफिकेट हो गया, कम्युनिटी का सर्टिफिकेट हो गया, उनको क्या करना है, इस ये admin@dmrl.drdu.in पर 31/3/2021 से पहले मेल करके भेजना है। और ईमेल का सब्जेक्ट होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर अप्रेंटिसशिप, जो भी आप ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं जैसे लिखिए, आप सब्जेक्ट के अंदर लिखना है मेल में एप्लीकेशन फॉर अप्रेंटिस इलेक्ट्रिशियन, तो आप लिख दीजिए इलेक्ट्रिशियन और ये लिखा होना चाहिए एग्जाम्पल, नहीं तो आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जैसे ये एग्जाम्पल दे रखा है एप्लीकेशन फॉर फीटर, है ना, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और लास्ट डेट के बाद भेजेंगे तो आप वैसे रिजेक्ट हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। और एक ही ईमेल में आपको सारी चीज़ें अटैच करके भेजनी है। ठीक है दोस्तों, लास्ट डेट 31 मार्च 2021 है दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखें, है ना। और इसके अलावा ये जो जगह है वो 15 किलोमीटर सिकंदराबाद से दूर है और 10 किलोमीटर हैदराबाद रेलवे स्टेशन से दूर है। तो इसके अलावा बस नंबर 102 आप पकड़ सकते हैं सिकंदराबाद से, और उस वो बस आपको यहाँ पे पहुँचा देगी। ये आपको मिधानी केशवगंजी 102 AB, ये इतनी सारी बसें आती है जो वुमेन कॉलेज और डिफरेंस होते हुए DMRL X रोड के वहाँ आपको फ्रिक्वेंटली वहाँ पे भेज देगी, है ना। तो ये आप देख सकते हैं वहाँ पे पहुँचने का कैसे तरीका है, तो ये भी इन्होंने बताया है, तो बहुत अच्छी बात करी इन्होंने। और बाकी ये जो फॉर्म है एनेक्स सेकंड, ये आप यहाँ पे भर के इसको मेक तो मेल कर दें और इसको वहाँ पे भेज दें, एक बात इसका आप ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई आपके इसकी DMRL की वैकेंसी, जो आप अगर आप एलिजिबल हो, आपने IT कर लिया तो आप इसमें भर सकते।